बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाबिला में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे FAO इंटर्नशिप प्रोग्राम 2022 के हवाले से। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशन यूनाइटेड नेशंस, इसमें जो है वो इंटर्नशिप का इनका किया है 2022 के लिए। किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, डिटेल्स क्या हैं, मुकम्मल आपको जो है वो इस वीडियो में बता दिया जाएगा। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है बगैर स्किप किए। ये बाबिलम की ऑफिशियल वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप जो है वो डिटेल ले सकते हैं, इस ब्लॉग पे आ सकते हैं। तो फिलहाल देख लें जी, सबसे पहले ये ऐड आपको नज़र आ रही है और यहाँ से हम देख लेते हैं जी क्या क्या चीज़ें जो है वो डिटेल। सबसे पहले फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैव ओपन द इंटर्नशिप पोर्टल फॉर ऑल इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट्स, मास्टर्स एंड रिसेंट ग्रेजुएट्स। ठीक है जी, अंडर ग्रेजुएट ये तीन जो है वो तलीमी काबिलियत यानी कंडीशंस हैं वो आप देख लें। कैंडिडेट्स कैन बी फ्रॉम एनी नेशनैलिटी, किसी भी नेशनैलिटी से जो है वो आप हो सकते हैं। इन एडिशन टू हिज हेडक्वार्टर्स ऑफ रोम इटली, FAO वर्क इन ओवर 130 कंट्रीज ओवर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इटली जो है वो होस्ट है। आखिरी तारीख जो है वो स्पेसिफाई नहीं है अभी। क्वालिफिकेशन जो है वो मैंने बताया जी, ये तीन कंडीशंस हैं। एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 30 इयर्स है। स्टाइपेंड जो है वो पर मंथ आपको दिया जाएगा $700। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आप देख लें। एप्लीकेंट्स हु आर नेशनल ऑफ FAO इंक्लूड कंट्रीज कैन पार्टिसिपेट, वो मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी जो है वो कंट्रीज एलिजिबल हैं जो FAO के साथ जो है वो इलाहाक हैं या उन्होंने साथ काम कर सकते हैं उनके। एप्लीकेंट्स शुड बी इनरोल्ड इन पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट्स, ये तीन कंडीशन। एप्लीकेंट्स शुड बी फ्लुएंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक, चाइनीज और रशियन। ये जो है वो लैंग्वेजेस दी गई हैं, इनमें कोई भी एक जो है वो आपको आती हो। एप्लीकेंट शुड पोसेस द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड न्यू बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, आपको जो है वो कंप्यूटर का जो है वो कुछ स्किल आनी चाहिए, कम्युनिकेशन वगैरह की भी। इसके अलावा प्रोसेस देख लें जी आप अप्लाई का। यहाँ पे दो लिंक आपको नज़र आ रहे हैं, एक लिंक है जी आपको FAO की जो कंट्रीज़ हैं, इलाहाक हैं या पार्टिसिपेट कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से एक लिंक आपको दिया गया हुआ है। मैं सबसे पहले वही लिंक आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं मेंबर कंट्रीज जो है वो वाला फॉर्म आपके सामने ओपन है। ठीक है जी, जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आप जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये मेंबर वाला जो है वो फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया हुआ है। यहाँ से देख लें जी, आप जिस भी कंट्री से हैं आप वहाँ पे अपना नाम देख लें, अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया। यहाँ से आप नीचे आते जाएं तो अगर इंडिया से हैं तो इंडिया भी यहाँ पे अवेलेबल है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से ये देख लें इंडिया जो है वो हाईलाइट है, इंडिया। और आगे देख लें जी, अगर आप पाकिस्तान देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान भी आपको मिल जाएगा, ये आप ये पाकिस्तान है। ठीक है जी, और आगे डेट्स दी गई हैं कि कब जो है वो मेंबर बना FAO के साथ, ये सारी इफेक्टिव डेट्स और मेंबरशिप की आगे दी गई हैं। ठीक है, ये भी हो गया। और यहाँ से हम आगे आते हैं जी कुछ डिटेल्स के साथ। जो नेक्स्ट वाला है जी, हमने देख लेना है कि कौन कौन सी जो है वो इंटर्नशिप ओपन की गई हैं। यहाँ से ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका हुआ है, जो दो लिंक्स थे। यहाँ से प्रोफेशनल पोजीशंस पे लेफ्ट साइड पे मैंने क्लिक किया हुआ है। यहाँ से मैं देख लेता हूँ जी इंटर्नशिप प्रोग्राम, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है जी इंटर्नशिप प्रोग्राम। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो है वो इंटर्नशिप की तमाम डिटेल जो हैं वो आपके सामने ओपन हो गई हुई हैं। ठीक है, यहाँ से टाइटल देख लें, डिपार्टमेंट, इक्विजिशन, ड्यूटी स्टेशन और डेडलाइन वगैरह जो है वो आपको डिटेल्स दे दी गई हुई हैं। यहाँ से मैं मिसाल के तौर पे पहले वाला जो है वो आपके सामने ओपन कर देता हूँ जस्ट समझाने के लिए। यहाँ से देख लें जी, आप डिटेल्स आपके सामने जो है वो मौजूद हैं। यहाँ से जो है वो आप देख लें, कॉल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर FAO हेडक्वार्टर्स HQ। जॉब पोस्टिंग जो है वो 24 जनवरी को हुई। क्लोजर डेट जो है वो इसकी 25 अगस्त 2022 है। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो है वो हेडक्वार्टर्स हैं। जॉब टाइप इंटर्नशिप है। टाइप ऑफ रिक्विजिशन इंटर्नशिप प्रोग्राम।
ग्रेड लेवल नन है, प्राइमरी लोकेशन इटली रोम, ड्यूरेशन जो है वो 3 से लेकर 11 माह तक है, ठीक है जी, 3 माह से लेकर 11 माह तक। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं तो ये डिटेल्स एक दफ़ा जो है वो आप रीड कर लें, ना समझ आए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स हैं, ये भी रीड कर लें, जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से देख लें जी, रिपोर्टिंग लाइन्स जो हैं, द इंटर्न विल बी रिपोर्टिंग ऑन द असाइन सुपरवाइजर, टेक्निकल फोकस, ये भी एक दफ़ा रीड कर लें। आपने टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो देख लें, द इंटर्न्स विल परफॉर्म द फंक्शंस स्पेसिफाइड इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR prepared by the hiring officer before the beginning of the assignment। जो भी आपको टास्क दिए जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दिए जाएं, वो आपने जो है वो मुकम्मल करनी है। इसके अलावा कैंडिडेट्स विल बी असेस अगेंस्ट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट्स हैं जी, ये एक दफ़ा देख लें। इनरोल्ड इन अंडर ग्रेजुएट, ये वही है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट्स जो है वो या पोस्ट ग्रेजुएट आप हो सकते हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए है जी एक और कंडीशन है, एक तो मेंबर होना ज़रूरी है, एक जिस भी कंट्री से आप, ठीक है, वहाँ की यूनिवर्सिटी या जैसे पाकिस्तान की हायर एजुकेशन कमीशन है, इंडिया की हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसका भी जो है वो लिंक होना चाहिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लीज़ नोट दैट FAO ओनली कंसीडर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन एग्रीगेटेड रिकोगनाइज इन द वर्ल्ड हायर एजुकेशन डेटा बेस एट अ लिस्ट अपडेटेड बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, ये लिंक आपको जो है वो यूनेस्को वगैरह के आगे लिंक प्रोवाइड किया गया हुआ है। मैंने इसको नेक्स्ट ऐप पे ओपन किया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये लिंक जो है वो आपके सामने ओपन है, मैं यहाँ से बैक जाके दोबारा आपको बता देता हूँ। ये इस तरह का जो है वो इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यहाँ से जो जिस भी कंट्री से हैं आप, यहाँ पे आपने अपनी कंट्री जो है वो चूज़ करनी है, ठीक है जी। मैंने यहाँ से जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है, आप न्यू सर्च करके यहाँ से इसकी डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आपको एक सर्च बार नज़र आएगा, यहाँ से आपने अपनी कंट्रीज जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से मिसाल के तौर पर अगर आप कुछ भी एक सर्च कर लें, हम इटली ही सर्च कर लेते हैं यहाँ से, या फ्रांस सर्च कर लें यहाँ से आप, ठीक है। यहाँ से दो ऑप्शंस हैं जी, एजुकेशन सिस्टम एंड क्रेडेंशियल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, मैं इसी को रहने देता हूँ, और यहाँ से जो है वो मुझे डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज़ और डिटेल्स आगे जो है वो आपकी कंट्रीज़ के हिसाब से आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको दोबारा वापस आता हूँ, यहाँ से देख लें जी, FAO कोर कंपिटेंसीज, यानी कि आप कह सकते हैं कि बेनिफिट्स वगैरह, इस तरह की रिजल्ट फोकस, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, बिल्डिंग इफेक्टिव रिलेशनशिप, नॉलेज शेयरिंग एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ठीक है, ये 5 ऑप्शंस हैं। इसके अलावा टेक्निकल फंक्शन स्किल्स जो हैं वो भी आप देख लें, इंफॉर्मेशन टू एप्लीकेंट, ये एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने कुछ आइडियाज दी हुई हैं, ये भी पढ़ लें आप। यहाँ से अप्लाई के मुतालिक कुछ डिटेल्स हैं, टू अप्लाई विजिट द रिक्रूटमेंट वेबसाइट, ये नीचे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने जो है वो क्लियरली पढ़ लेने हैं। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ से एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही है अप्लाई ऑनलाइन की, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से जो है वो एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा,